हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनके आंसर्स। तो आपको बता दें, हम लोग 300 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं अभी तक। तो ये जितने भी लेक्चर बने हुए हैं अभी तक, ये सभी आप लोगों को जनरल साइंस के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है उसी में पड़े हुए हैं। और इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के चैप्टर वाइज चैप्टर जितने खत्म किए थे वो भी उसी में पड़े हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर। चलिए 301वां क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, तो याद रखना नील हरित शैवाल के कारण। नील हरित शैवाल के कारण बरसात के दिनों में भूमि फिसलवार हो जाती है। 302 क्वेश्चन नंबर 302वां, लाल सागर का लाइपन किसके कारण होता है, तो याद रखना सागर में जल ट्रेकोडेस्मियम एराइथेरियम की उपस्थिति के कारण, ठीक है? बात करते हैं 3वां क्वेश्चन, 303वां, एंटीबायोटिक वाइटोक्लोरेलिन प्राप्त होता है, तो याद रखना शैवाल से। 304, अधिकांश शैवाल में संघित भोज पदार्थ है, तो याद रखना स्टार्च और ऑयल। जलीय काई का कारण है, तो याद रखिए नील हरित शैवाल, डी ऑप्शन सही है। 6वां क्वेश्चन, मॉस में संवहन ऊर्जा बनी होती है, तो याद रखना मृदु तक में। हमारा है 307, किस में बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो याद रखना फ्यूनीरिया। 308, साइकस में परागण किस माध्यम से होता है, तो याद रखना वायु। क्या होता है? वायु, ये ऑप्शन सही है। साइकस के परागण वायु के माध्यम से होता है, जब परागकण की क्रिया वायु द्वारा हो तब ऐसे परागकण को एनिमोफिलाई कहते हैं, जैसे धान गेहूं मक्का, साइकस। जब परागकण की क्रिया कीट द्वारा हो तब ऐसे परागकण को कीट परागण कहते हैं। सबसे अधिक क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया कीटों द्वारा होती है, जब परागण की क्रिया जल से हो तब ऐसे परागण को हाइड्रोफिलाई कहते हैं। 309वां क्वेश्चन, 309वां, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है, तो याद रखना आपको साइकस, ठीक है? 310 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, तो आपको याद रखना प्रिसियोडोमोनस सिट्री, ठीक है? 3 ठीक है, याद रखिए। एसरिसिया कोलाई, ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन सही है इसका। प्लाज्मिड क्या होता है, तो याद रखिए जीवाणु के अनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, याद रखिए। जब आपको कभी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में तो उसे क्लियर कर लिया करो, ठीक है? इसमें यहाँ सही व्याख्या में भी सही दिया गया है, बस इसमें ऑप्शन यहाँ बी दिया गया था। चलिए अगला 10 क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, तो याद रखना है इसमें रिंग वार्म, जैसे इसमें रिंग वार्म यहाँ सही दिया गया, बताओ इसमें कॉलेरा तपेदिक दे दिया। मनुष्य में कवक जनित रोग होता है, कॉलेरा तपेदिक और प्लेग जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक। 13 क्वेश्चन, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लेटमस प्राप्त होता है, तो याद रखना सेक से, ठीक है। 14, लाइकेन उदाहरण है, तो याद रखना सहजीवता के, ठीक है, लाइकेन सहजीवता के संबंध में, इसका सेक से प्राप्त लेटमस पत्र रसायन प्रयोगशाला में उपयोग होता है। 15, विकास ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो याद रखना विकास संश्लेषण से, डी ऑप्शन सही है। जब विकास ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तब इस प्रक्रिया को विकास संश्लेषण कहते हैं। अंग वैसे समूह जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। श्वसन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें O2 ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप टूटकर CO2 में परिवर्तित होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। C6H12O6 + C6O2
सिक्स सीओ टू ये टूट इसमें विभक्त हो जाता है, एच टू ओ सिक्स एच टू ओ सिक्स ओ टू सी ए एल कैलोरी एनर्जी में। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें पादप सतह से जल वाष्प के रूप में छोड़ता है, पत्ती के निचले भाग में पाए जाने वाले से जल से निकलता है। 16 क्वेश्चन नंबर, कैंसर केसर प्राप्त होता है, केसर प्राप्त होता है कोकस पादप पादप के वार्तिकाग और वार्तिका और से। ठीक है, बात करते हैं 17 क्वेश्चन, सेनकोना के पौधे किस भाग से मलेरिया की उत्पत्ति को नियंत्रित प्राप्त करते हैं, याद रखना छाल से। ठीक है, सी ऑप्शन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 19 क्वेश्चन, किडवन की खोज करता है, तो याद रखना पाश्चर, लुईस पाश्चर। 20 क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का रसायन परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन। 21 क्वेश्चन, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुक्ता स्थानांतरित होता है, तो याद रखना सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुक्ता स्थानांतरित होता है। फैक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, शहद में पाया जाता है। फैटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे की जड़ तथा तना में संचित होता है। बात करते हैं 22 क्वेश्चन, अधिकांश स्वयंपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं, तो याद रखना स्टार्च। 23 क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। ठीक, बात करते हैं 24 क्वेश्चन, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है, तो याद रखना संचित भोजन में। ठीक है, बात करते हैं 25 क्वेश्चन, फीका संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य होता है, फीका संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य होता है, तो याद रखना प्रकाश अवशोषण अवशोषण और जल का विकासीय अवघटन। ठीक है, बात करते हैं 26 का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया प्रकाश विक्रिया में क्या होता है, तो याद रखना जल के अणुओं का अपघटन। प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश विक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है, जल के अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित गिराना में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में डायरेक्ट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले स्ट्रोमा में संपन्न होता है। बात करते हैं 27वां क्वेश्चन, भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है, रोम में प्रवेश करता है, तो याद रखना चूषण दाह के कारण। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 28, प्लाज्मा झिल्ली की याद रखना कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। एनिमल सेल का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। 29 क्वेश्चन नंबर, विकास संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है, तो याद रखना लाल रोशनी में, विकास संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी लाल रोशनी होता है। लाल विकास में सबसे अधिक विकास संश्लेषण की क्रिया होती है, विकास संश्लेषण की क्रिया सबसे कम बैंगनी विकास में होती है, हरे विकास में विकास संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। विकास संश्लेषण के लिए 1 से 2% की विकास की आवश्यकता होती है। बात करते हैं 330 क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है, याद रखना चावल। भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है चावल, सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। 31 क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो याद रखना देहरादून में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये देहरादून में है। कोलकाता सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय एटलस तथा विशेष मानचित्र संगठन कोलकाता में। शिमला में सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन, अवांछनीय पौधों को कहते हैं, तो याद रखना खरपतवार। अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार नष्ट करने वाले केमिकल को वेडिसाइड खरपतवार नाशी कहा जाता है। 33 क्वेश्चन नंबर, CO2 का उपयोग किसमें होता है, तो याद रखना अंधकार प्रक्रिया में। विकास संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग डार्क रिएक्शन में होता है। 34 क्वेश्चन, पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निकास किस क्रिया से होता है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण।
फीकल संश्लेषण की क्रिया में पौधे सीओ टू का अवशोषण कर ओ टू का निकास करते हैं। 35 क्वेश्चन, कोशिका में किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो याद रखना माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह प्लांट एवं एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एक यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है, इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, प्लांट एवं एनिमल सेल्स में पाया जाता है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। यह कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, यह केवल हरा रंग का होता है। विकास संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट, पौधे की रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। इसकी खोज कैमिलोजी के द्वारा किया गया, इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी सेल में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। इसे डायरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। 36 क्वेश्चन, विकास संश्लेषण का प्रथम चरण है, तो याद रखिए पर्ण हरित के इलेक्ट्रॉन का विकास के फोटोन द्वारा उत्तेजन। विकास के प्रथम में पर्ण हरित के इलेक्ट्रॉन का विकास के फोटोन द्वारा उत्सर्जन होता है। बात करते हैं 37 क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है, तो याद रखिए फोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन की दर फोटोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व माप ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जांच की जाती है। बात करते हैं 38 क्वेश्चन, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो याद रखना जाइलम, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं 39, कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो याद रखना कोशिका द्रव में। कोशिका में भोजन एवं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है। कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 40 क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है, तो याद रखना पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं में। बात करते हैं 41वीं क्वेश्चन, 341, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो याद रखना बी ऑप्शन सही है, 38 एटीपी, ठीक है। 42 क्वेश्चन नंबर, पौधे में मुरझान किसकी अधिकता से होती है? तो याद रखना वाष्पोत्सर्जन की, ठीक है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो याद रखना साइटोक्रोम। बात करते हैं हम लोग 44 क्वेश्चन, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो याद रखना नाइट्रेट, पौधे भूमि से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मिट्टी में बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं। बात करते हैं 45 क्वेश्चन, अनोक्सी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या होता है? एल्कोहल प्लस सीओ टू। अनोक्सी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनता है। बात करते हैं 46, केप्स चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है, तो याद रखना फ्यूमेरिक अम्ल का, ठीक है। 47, पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका होती है, तो याद रखना सी और वृद्धि दोनों। पौधे के जीवन में मनुष्य की मुख्य पुष्प की मुख्य भूमिका वेग वृद्धि करना तथा परागकरण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना, ठीक है, इसमें सी भी दोनों बता रहे हैं, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कटक में। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में हिंदुस्तान लेटिक्स लिमिटेड त्रिवेंद्रम केरल में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन होगा 49, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? तो याद रखना ग्रैमिनी, संसार की अधिकतम खाद्य फसलें ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं। 50 क्वेश्चन नंबर, भारत की कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो याद रखना नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। लखनऊ केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, ठीक है। चलिए तो 250 खत्म कर चुके हैं, 351 से आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है।